वेलकम अगेन, आई एम डॉक्टर अनिल कटारा और आज हम लोग क्लास 11th सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम किसी एक ऑर्गेनल को नहीं बोलते हैं, सीधी सी बात है। इस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कोई पर्टिकुलर एक सेल ऑर्गेनल नहीं होगा। सिस्टम से नाम समझ में आ रहा होगा, सिस्टम सिस्टम मतलब किसी भी चीज का ग्रुप, गॉट इट। सो अगर बात करें एंडो मतलब इनसाइड, द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेनियस, तो सेल्स के अंदर जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और वो सेल ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करे तभी उस सिस्टम को अपन बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यू नो द वर्ड साइटोप्लाज्म, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। द साइटोप्लाज्म आर द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। यू मे से इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक पार्ट, और प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर होता था उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्वस मीडियम की एक मैट्रिक्स होगी जिसको अपन साइटोसोल बोल सकते थे, और इसी साइटोसोल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, उन ऑर्गेनल को बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल। अब इस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल में से कुछ ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेनलेस हमने लास्ट क्लास में क्लासिफाई किया था। कुछ ऑर्गेनल होते हैं सेमी ऑटोनोमस, और कुछ ऑर्गेनल्स बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, गॉट इट। सो इफ यू डिस्कस द मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस में जैसे कि सेंट्रोसोम्स, the centrosome contain two perpendicular centriole that form various structure. Now, semi-autonomous में cell organelle जो किसी के coordinations में नहीं होता है, ये semi-autonomous है मतलब इसके पास खुद का DNA है और खुद का ribosome है, तो खुद के according जो भी requirement होगी वो सब कुछ बना के ready कर लेगा, जिसमें अपन mitochondria और plastid को बोलेंगे। mitochondria and plastid are the two semi-autonomous cell organelle. तो membrane less में आता है सेंट्रोसोम और दूसरा राइबोसोम्स, गॉट इट। सेमी ऑटोनोमस के अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, प्लाज्मिड्स नहीं होता। प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोट, प्लाज्मिड इज अ डिफरेंट, इट इज अ प्लास्टिड्स जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट वन ऑफ द प्लास्टिड्स है, हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड, अच्छा ये जो सेमी ऑटोनोमस है ना इनको मैं डबल मेम्ब्रेन बोल सकता हूं, डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन। इसके पास मेम्ब्रेन की दो लेयर होती, इनर और आउटर। तो जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड, अब यहां पर जितनी भी मेम्ब्रेन होगी वो सिंगल मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन बाउंड, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सिंगल। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल that work in a coordinated manner, that work in a coordinated manner. Coordinated manner मतलब एक organelle का functions दूसरे organelle के साथ linked होगा, एक coordination से काम करते हैं। जैसे कि आपने एक story सुनी होगी कि एक मेला लगा हुआ था, एक और दो friends को देखना था मेला, एक था अंधा,
अंधा ऑब्वियसली देख नहीं पाएगा, बट जो वहां का जो माहौल है, वहां का जो चिलपिल, जो मतलब जो साउंड से वहां की जो मतलब भीड़ है उसको फील कर सकता। और एक तो लंगड़ा, लंगड़ा चल नहीं पाता था, अंधा देख नहीं पाता था, और दोनों को मेले में जाना था, तो अंधे के कंधे पे लंगड़ा चल गया, अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया, और लंगड़ा उसको गाइड कर रहा, आप इस रास्ते से जाओ, और अंधा उसको मेले तक पहुंचा दिया। तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया दोनों में। इसी तरीके से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो सारे साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करे। तो इसके अंदर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी बनाएगा, हम देखेंगे क्या बनाएगा, वो सारा मटेरियल गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करेगी, लेबल करेगी, सील करेगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो यानी बोल सकता हूं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस मटेरियल को सेल्स के बाहर पहुंचा देगी बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से पिंच ऑफ होके दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल और निकलते हैं, जिसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जिसके अंदर एक डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है, वो हमारा हो गया लाइसोसोम्स। गॉट इट। और एक सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है मेम्ब्रेन बाउंड जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, बट उसके अंदर जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं रिजर्व पड़ा रहता है, तो मैं उसको बोल सकता हूं वैक्यूल। नाउ These vacuoles are minute or numerous or you can say absent in higher animals, but in the plant vacuoles are very frequent and very large in number and very large in size. Got it? So endomembrane system mein we have the four cell organelle that act in a coordinated manner. And out of the four, principal is endoplasmic reticulum, क्योंकि जो भी material बनेगा वो सब endoplasmic reticulum बनाएगा। उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन, उस मटेरियल का मॉडिफिकेशन, उस मटेरियल का लेबलिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है। और साथ में लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल आर आल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। सो साइटोप्लाज्म में समहाउ ये मेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं, दैट इज सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम कंटेन द सेंट्रियोल एंड द राइबोसोम्स। गॉट इट। सेमी ऑटोनोमस, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स, देखो वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। नाउ इन सब के अलावा सेल्स के अंदर और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम एक वर्ड में बोलते थे माइक्रोबॉडीज। क्या बोलते हैं हम? माइक्रोबॉडीज। तो हम वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, हम माइक्रोबॉडीज को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से। आफ्टर द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम वी विल जंप टू द सेमी ऑटोनोमस। आफ्टर द सेमी ऑटोनोमस वी विल जंप टू द मेम्ब्रेनलेस, एंड आफ्टर द मेम्ब्रेनलेस वी विल जंप टू द माइक्रोबॉडीज एंड ऑल द साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल विल गेट कवर। गॉट इट। देखते हैं क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, या फिर ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेनलेस। तो ये डायरेक्टली एक एक टाइप का एमसीक्यूज बन जाता है। अगर मैं बात करूं मेमेलियन, कोई सी भी एक यूकैरियोटिक सेल ले लूं, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इन प्रोकैरियोट्स ऑल दिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट, बिकॉज prokaryotes do not have nuclear envelope. कहीं ना कहीं nuclear envelope का बहुत बड़ा रोल होता है membrane bound cell organelle के origin में। Now it is a eukaryotes, so I am drawing this double layer structure. It is a nucleus of eukaryotes. Got it? Now this nucleus have minute octagonal shape pores, जिसको अपन बोलेंगे nuclear pores. इट इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियर प्लाज्म। नाउ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अटैच है। वॉट इट। इस न्यूक्लियस से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अटैच है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाहर की तरफ इस तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर है। आप सेक में देख रहे होगे, एक आपको कॉन्वेक्स दिख रहा होगा, एक कॉनकेव। दिस सेक्स आर नोन एज, दिस फ्लैटेंड सेक्स आर नोन एज गोल्जी बॉडी के सिस्टरनी। इट इज अ सिस्टरनी ऑफ गोल्जी बॉडी एंड दिस सेक इज नोन एज अ सिस्टरनी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉट इट? नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम ऑन इट सरफेस। देखो इफ एंडोप्लाज्म, मैं यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक वेसिकल्स बना रहा हूं, सॉरी एक ट्यूब्स बना रहा हूं, ये ट्यूब्स है, ट्यूब के फॉर्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। तो अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच हो तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदरवाइज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल नोन एज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी विल डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ दिस रफ एंड स्मूथ इन सेपरेटली। मैं अभी सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि रफ प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ, क्योंकि रफ के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगा, राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री, सो इट विल फॉर्म प्रोटीन, और स्मूथ विल नॉट फॉर्म द प्रोटीन, इट विल फॉर्म द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वैक्स। आ रही बात समझ में? यानी हम बात करें नॉन प्रोटीनियस मटेरियल का सिंथेसिस स्मूथ में होगा और प्रोटीनियस मटेरियल का सिंथेसिस रफ में होगा। अब ये मटेरियल जब सिंथेसाइज हो जाएगा तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड मटेरियल है इट मे बी नॉन फंक्शनल, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। तो इसके फर्दर मॉडिफिकेशंस के लिए ये मटेरियल यहां से पिंच ऑफ होके चला जाता है इस गोल्जी सिस्टरनी की ये कॉन्वेक्स फेस में। तो इस फेस को बोलूंगा मैं सिस फेस, सिस, और इट इज अ फॉर्मिंग फेस। ये वाली जो फेस है जो आपको कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स फेस दिख रहा है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्वेक्स फेस दिख रही इसको बोलेंगे सिस और फॉर्मिंग। व्हाई इट इज फॉर्मिंग एंड व्हाई इट इज सिस? सिस बिकॉज इट इज टुवर्ड सेम साइट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, और फॉर्मिंग क्योंकि न्यूली फॉर्म मटेरियल सिस फेस में आते हैं और ये सिस फॉर्म में ये मटेरियल जब जाएंगे तो यहां इस मटेरियल का क्या होगा, यहां इस मटेरियल का क्या होगा, मैच्यूरेशंस, मॉडिफिकेशंस, लेबलिंग, और फिर उसके बाद ये मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट होते होते यहां तक पहुंच गए, इसको बोलेंगे ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इस ट्रांस को बोल सकते हैं मैच्योर फेस। और यहां ट्रांसफेस से जो मैच्योर मॉलिक्यूल्स जो बने, यहां पर जो मॉलिक्यूल बने वो इमैच्योर थे, नॉन फंक्शनल थे, और ये मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, इन सबका मॉडिफिकेशन के बाद ये मटेरियल इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर ट्रांसफेस तक पहुंच गया, और ट्रांसफेस से यहां पर वेसिकल्स पिंच ऑफ होगी, गोल्जी वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके अपने मटेरियल को बाहर की तरफ रिलीज कर देगी। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और अपने मटेरियल को क्या कर दिया, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया। यानी इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस या रिवर्स पाइनोसाइटोसिस। पाइनो मतलब वोमिटिंग, सेल वोमिटिंग, गॉट इट? तो ये जो वेसिकल्स बनी है सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके अपने सारे मटेरियल को बाहर पहुंचा दिया एक्सोसाइटोसिस का। तो नाउ देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। नाउ हाउ दिस लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल आर ऑल्सो इन कोऑर्डिनेटेड। अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होते तो हम इनको एंडोमेम्ब्रेनस में नहीं रखते। अब देखिए लाइसोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर हाईली एसिडिक मीडियम होता है, मतलब बहुत प्रोटोन होते हैं, बहुत एसिडिक मीडियम, बहुत लो पीएच है, और साथ में इसके अंदर करीबन 40 से 50 तक अगर आप देखोगे तो बहुत सारी टेक्स्ट में आपको 50 नंबर मिलेगा कि 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे करीबन 50 है आप देखोगे। बट अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक की बात करोगे दैट इज अ गेनोन ऑफ फिजियोलॉजी तो उसके अंदर आपको 40 डेटा मिलेगा। तो आई एम सेइंग अराउंड 40 टू 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नाउ वी कैन से द एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोसोम एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बनाने का काम ऑटोमेटिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया होगा। अब ये प्रोटीन जो एंजाइम्स बनाने वाला है वो प्रोटीन, तो इस प्रोटीनियस पार्ट में
नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जिसको आप बोल सकते हो कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप को जोड़ने का काम यानी मॉडिफिकेशन का काम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। और मॉडिफाई होने के बाद ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी तरीके से मैच्योर हो गया किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो यहां से जो वेसिकल्स निकलेगी वही वेसिकल्स को मैं अपने लाइसोसोम्स बोलूंगा। और ये जो लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है, इट इज अ स्टेबल मेम्ब्रेन। अगर ये डिस्टेबलाइज हो जाएगी, जिस टाइम पे ये मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज हो जाएगी, ये लाइसोसोम फट जाएगा और सेल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि सेल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सब का बना होता है। नाउ सिमिलरली, सो आई कैन से द लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स बने हैं, भरे पड़े हैं, उस एंजाइम्स का मॉडिफिकेशन, मैच्यूरेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, और उस एंजाइम्स का प्रोटीनियस पार्ट या उस एंजाइम्स का नॉन प्रोटीनियस पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया होगा। तो यानी ये तीनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में, सो इट इज ऑल्सो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट। नाउ वैक्यूल, द प्लांट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। नाउ वैक्यूल्स के अंदर होता क्या है, वैक्यूल्स के अंदर रिजर्व मटेरियल होते हैं। अब ये जो मटेरियल्स है ये कहीं ना कहीं बने कहां पर होंगे, ट्रांसपोर्ट कहां, ये मटेरियल बने कहां पर होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बनने के बाद इनका मॉडिफिकेशंस कहां पर हुआ होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। मॉडिफिकेशंस के बाद ट्रांसपोर्ट होकर यहां से जो वेसिकल्स निकली वही वेसिकल्स लार्ज साइज की वैक्यूल्स कहला जाएगी। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का हम स्पेशल नाम देते, दैट इज अ टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट का क्या रोल है और हाउ दिस वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशंस इन अमीबा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो वी कैन से क्लियरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। गॉट इट? अब मेरा क्वेश्चन ये कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगी। हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बनी होती, या इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही कंटिन्यूस होकर ये फोल्ड बना रही और ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम आर एक्सक्लूसिव अब्सेंट इन द सेल वेयर द न्यूक्लियस इज अब्सेंट, और इफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इट इज अ नेकेड न्यूक्लियस। सो नेकेड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, सो प्रोकैरियोट डू नॉट हैव एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। नाउ आरबीसी, मेमेलियन आरबीसी, have you seen that mammalian RBC do not have lysosomes because it cannot, because it do not have nucleus, so nucleus nahi hoga, to nucleus ke andar hi to sare material ko banane ka code hai, sare proteinous structure banane ke liye hame amino acid ko ek sequence mein jodna hoga, us amino acid ko ek sequence pe jodne ka kaam karta hai ribosomes, aur ribosomes us amino acid ko jodta hai mRNA ke code ke coding, aur mRNA banta hai DNA, yani ultimately hamara center to nucleus hi ho gaya। Got it? So endomembranous system is a very important features of eukaryotic cell only. और किसी किसी eukaryotic cell में पूरा system absent होता है, उन cell में specific जिनके पास nucleus नहीं हो। Got it? So that's all about the endomembranous system. Now, अब हमें endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles की one by one detail में study करनी है। तो detail में क्या study करेंगे? How this organelle are formed? Which scientist had discovered? यानी इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिस्टर्नी के फॉर्म में भी मिल सकता है, ये ट्यूब्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो इनके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन, इनके नंबर किस सेल में ज्यादा होगा, किस सेल में कम होगा, इनकी क्या फंक्शनिंग होगी, ये सब चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल द टेक केयर एंड बाय।